मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही जीआरपी एसपी जबलपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर शशि धुर्वे ने घटना के दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडर पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों द्वारा अभद्रता की घटना को सही बताया है। अब ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के बयान लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर शशि धुर्वे ने बताया कि विधायकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और पुलिस जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है, यह पुलिस पर निर्भर है। हालांकि मामले में 7 साल से कम सजा की धारा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस कोर्ट को मामले की गंभीरता बताकर गिरफ्तारी की जा सकती है। आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जबलपुर जीआरपी ने मामले की जांच एसपी ऑफिस को सौंपी। इसकी जांच महिला इंस्पेक्टर शशि धुर्वे को दी गई है। भोपाल के सीनियर वकील जगदीश गुप्ता बताते हैं कि आमतौर पर धारणा बना ली गई है कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यह धारणा गलत है, इसमें भी शर्तों के साथ गिरफ्तारी हो सकती है। यदि आरोपी पूर्व से चार्जशीटेड हो तो 7 साल से कम वाली सजा की धारा में भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को शंका हो कि इस आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ या फिर से घटना को अंजाम दे सकता है, तो इस परिस्थिति में भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट को पुलिस को गिरफ्तारी के लिए पहले सेटिस्फाई करना होगा। यदि पुलिस ऐसे मामले में किसी की गिरफ्तारी कर लेती है और कोर्ट इसे रॉन्गफुल गिरफ्तारी मानती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही भी होती है। विधायकों के खिलाफ धारा 354 के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत किसी महिला का यौन उत्पीड़न, मारपीट, उसके अभिमान को ठेस पहुंचाना शामिल है। अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ मारपीट करता है, यौन उत्पीड़न करता है या उसकी लज्जा भंग करता है, तो उसे सेक्शन 354 के तहत संज्ञेय अपराध माना जाता है। कम से कम इसमें 1 साल की सजा होती है। इसे 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। इस धारा के तहत गिरफ्तारी करने की ठोस वजह पुलिस को पहले कोर्ट में बतानी होती है।